बेली फैट, बहुत टाइप्स की बेली फैट होती है। जब बात आती है बेली फैट रिड्यूस करने की तो लोग बहुत थक जाते हैं कि यार सारी बॉडी की फैट लॉस हो गई है बट बेली की फैट क्यों एक्स्ट्रा से दिख रही है। सो बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में कौन सी टाइप की फैट है। बेली फैट बहुत टाइप की होती है, मोटापा बहुत टाइप का होता है। समटाइम्स स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होगा, हाई हुआ होगा तो कॉर्टिसोल बेली फैट है। समटाइम्स क्या होता है, प्रेगनेंसी बेली फैट होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी। समटाइम्स हमारे जैसे हम लोगों ने बहुत अनहाइजीन फूड खाया है, बहुत अनहेल्दी फूड खाया है तो उसकी वजह से हमारी बेली फैट होती है। समटाइम्स हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, PCOD, PCOS या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर तो भी बेली फैट हमारी हो जाती है। सो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेली फैट कौन सी टाइप की है। हाई एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन सोनाली। सो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ऑल अबाउट बेली फैट, और आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक एक टॉपिक पे जिसमें हम बात करेंगे हॉर्मोनल बेली फैट के बारे में। सो आज मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी किन किन चीज़ों से आप अपनी बेली फैट को दूर कर सकते हो और क्या क्या उसके रीजंस हैं और किन किन लोगों को ये चीज़ें लेनी चाहिए, और एक रेमेडी भी लास्ट में शेयर करूंगी। सो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर हमारे थायराइड है, PCOD है, PCOS है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हैं या नहीं है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप लोगों को ये डाइट ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और ये रेमेडी को भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बट मेक श्योर के लिए रेमेडी से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस डाइट भी लेनी पड़ेगी जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बिकॉज फूड सबसे बड़ी मेडिसिन होती है या फूड से ऊपर कुछ भी नहीं है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मोर टाइप मेनी टाइप्स ऑफ बेली फैट। ओके, सबसे वन मैंने आपको बताया हॉर्मोनल, सेकेंड वन कॉर्टिसोल अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी बेली फैट हो सकती है। अगर आपकी हॉर्मोनल बेली फैट है तो आपके मूड इंस्टेंट मूड स्विंग होगा, इंस्टेंट गुस्सा आना, इंस्टेंट शांत हो जाना, तो ऐसे आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होने शुरू हो जाएंगे। पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाएंगे, एक टाइम पे आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। अगर 4 to 5 days तक डिले है दैट्स नॉर्मल, अगर 2-3 महीने पर डिले हो जाते हैं दैट्स में आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं है। अगर पीरियड्स होगा तो बहुत कम फ्लो होगा, हॉर्मोनल इम्बैलेंस का इशू होगा। कोई भी डेट फिक्स नहीं होगी। ओके, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा, मीठे की क्रेविंग्स, इंस्टेंट मीठे की क्रेविंग्स आपको होने शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला जाएगा। एक्सेस बॉडी फैट होगी, स्पेशली आपके लोअर बॉडी पे ज़्यादा फैट होगी, आपके थाइस पे, आपके नीचे लोअर बेली पे ज़्यादा फैट होगा। ओके, अगर ये इम्बैलेंस हो, सब चीज़ें इम्बैलेंस होंगी तो ऑब्वियसली आपको थायराइड, PCOC, PCOD, PCOS होगा, इनफर्टिलिटी मीन्स बेबी नहीं होगा, तो बहुत सारे इश्यूज आपको आएंगे, सिस्ट आ जाएगा ऑपरेशन में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने अपने फाइबर का इंटेक आपको बढ़ाना होगा। जिन चीज़ों में ज़्यादा फाइबर है, हमारी सब्जियाँ, उसका इंटेक आपको बढ़ाना होगा। आपको प्रोटीन इंटेक आपको अच्छा रखना होगा, जैसे हमारी दाल, राजमा, चने, टोफू, पनीर, चिकन, एग्स, ये सब आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी होगी ताकि आपका फैट लॉस हो सके। ओके, और आपकी बॉडी को मोर मूवमेंट करनी है, बैठी नहीं रहना है एक जगह पे, आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रश करना हमारी रूटीन है, सुबह उठ के नहाना हमारी रूटीन है, वॉशरूम में जाना हमारी रूटीन है, वैसे एक्सरसाइज करना भी आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें लेनी है, वंस अ वीक डिटॉक्स ज़रूर करो, वंस अ वीक नहीं कर सकते 10 दिन में एक बार ज़रूर करो ताकि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव हो सके। कोई भी डाइट आप मेरे डिटॉक्स के फॉलो कर सकते हो जो मैंने यूट्यूब पे शेयर की हुई है। ट्राई करूँगी कि अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आपकी डिटॉक्स की ही हो ताकि आपकी आपको पता चले कि आप डिटॉक्स कैसे कैसे कर सकते हो और उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ताकि आपकी बॉडी इंटरनल से क्लीन हो सके, टॉक्सिन्स रिमूव आपके हो सके। जब आप फास्टिंग करते हो आप उस टाइम पे भी डिटॉक्स कर सकते हो अपनी बॉडी को। अगर आपका कोई भी थर्सडे, मंडे या कोई भी फास्ट होता है तो उस टाइम पे आप लोग डिटॉक्स कर सकते हो, आपका बेस्ट भी है, आपकी बॉडी भी क्लींस हो जाएगी, डिटॉक्स बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। तो 10 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार डिटॉक्स ज़रूर करो। फाइबर का इंटेक, सब्जियों का इंटेक बढ़ाओ, सॉर्टेड लो, स्टीम्ड लो, सॉर्टेड वेजिटेबल्स लेके कर सकते हो। सैलेड आपको नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, उसको कुक करके, सेमी कुक करके चाहे आप लो, लेकिन ज़रूर इंक्लूड करो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
ले सकते हो, बहुत अच्छी हैं आपके लिए। प्रोटीन का इंटेक अच्छा करो, आपकी नींद, आपका सब, आपकी बॉडी का रिकवरी है, तो अपनी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर दो। ओट्स आपके लिए अच्छे हैं। इसके अलावा जितनी भी सीजनल सब्जियां हैं वो आप आराम से खा सकते हो, बट सब्जियों का इंटेक आपको अगेन बढ़ाना है। गावा आपके लिए बहुत अच्छा है। वीट आपको नहीं लेना, मिलेट की रोटी आप ले सकते हो, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारे हमारे मिलेट्स हैं, तो इसमें से आप कोई भी रोटी ले सकते हो, जो की रोटी ले सकते हो, अभी अच्छी है लेने। बेरीज को ज़रूर इंक्लूड करें, आपके लिए बहुत अच्छी है। कोकोनट वाटर ज़रूर लें। मिल्क में आप कोकोनट मिल्क, एल्पन मिल्क, आलमंड मिल्क ले सकते हैं, ओट्स मिल्क ले सकते हैं, नट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बीन्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एग्स ले सकते हो आप लोग, चिकन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। एप्पल आप ज़रूर लें, बट उसको पील नहीं करना है, पील के साथ लेना है। किनुआ आप ले सकते हो, दलिया आपके लिए बहुत अच्छा है। अब क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी है, मिल्क जितना हो सके उसको अवॉइड करें या बहुत कम क्वांटिटी में लें। वीट आपको नहीं लेना है, मिलेट्स को इंक्लूड करें। ब्रेड आपको नहीं लेनी है, होम कुक फूड आपको लेना है, जितना हो सके घर का बना हुआ खाना आप खाएंगे तो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में आने शुरू हो जाएंगे। एक रूटीन को फॉलो करें जिससे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सके, जिससे आपको फ़ायदे मिल सके। फ्रूट्स को ज़रूर लें, सैलेड्स को ज़रूर लें, बट सैलेड आपको मील के साथ नहीं, बिफोर मील लेना, बिफोर 20 to 30 minutes ऑफ मील। किसी भी फ्रूट को आपको अपने मील के साथ नहीं लेना, बिकॉज दोनों का डाइजेशन का टाइम अलग अलग होता है। अब रेमेडी क्या है, तो जितना हो सके घर का बना हुआ खाना, जो जो चीज़ें बताई हैं और जैसे जैसे बताती हूँ कि कैसे अपने पैलेट को डिज़ाइन कर वैसे ही आप लोग लें। अब रेमेडी के लिए क्या करना है आपको, ये रेमेडी आपको 1 चम्मच रोज़ की लेनी है, चाहे आप उसको आटे में डाल लो या पानी के साथ कंज्यूम कर लो या अपनी सब्जी में मिक्स कर लो, बट 1 चम्मच आपको रोज़ का लेना ही लेना है। सेम क्वांटिटी रहेगी सीड्स की और बाकी चीज़ों की, मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी। सनफ्लावर सीड्स, बेसिल सीड्स, सब्जा सीड्स, सेसमी सीड्स, इनको हल्का सा रोस्ट कर लो, और पम्पकिन सीड्स सेम क्वांटिटी रखना जितने भी सीड्स लोगे। अगर 4 चम्मच सीड्स ले रहे हो तो चारों जितने भी सीड्स बताए हैं सब आपको 4-4 चम्मच लेने हैं। अगर 4 चम्मच सीड की क्वांटिटी है तो 10 से 15 बादाम और 5 अखरोट, वॉलनट जिसको बोलते हैं, इन सबको ड्राई रोस्ट करो, उसका पाउडर बनाओ और 1 चम्मच रोज़ लेना शुरू कर दो और एक हेल्थीस्ट लाइफस्टाइल पे आ जाओ। कोई भी डाइट प्लान मेरा फॉलो कर सकते हो, मैंने बहुत सारे डाइट प्लान आपके साथ शेयर किए हैं, और जो चीज़ें बोली हैं वो इंक्लूड करो, जो नहीं बोली वो आपको नहीं लेनी है, तो आपके जो हॉर्मोन्स है बैलेंस में आने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानो कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने PCOD PCOS रिकवर किया है, टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है, बट रिकवरी हो जाती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, सब कुछ पॉसिबल है, बट ये माइंड आपका सेट होना चाहिए। माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो माइंड सेट अपना अच्छा रखें, कंसिस्टेंट रहें, किसी भी चीज़ को लेके आपको ये नहीं होना चाहिए हाय मुझे खाना है। अगर आपको खाना है तो जब आपके पीरियड्स की डेज होते हैं उस समय बहुत क्रेविंग होती है, तो 15 दिन में एक बार आप लोग अपना चीट मील रख सकते हो, चीट डे नहीं मील, बट हर चीज़ को आप प्लान करके रखें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें अगर आपकी फैमिली में किसी को भी हॉर्मोन्स का इशू है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली को भी ध्यान रखिए, और हमेशा अच्छा और घर का बना हुआ खाना खाइए।